हमने एक रॉ मटेरियल को क्रिएट करना है, ठीक है। ये काम हमने हेडिंग में भी लिखा था कि किसमें मटेरियल मास्टर में होगा। मटेरियल मास्टर में आप ये देखेंगे क्रिएट स्पेशल, ठीक हो गया, और MMR1 फॉर रॉ मटेरियल, MMB1 सेमी फिनिश गुड और MMF1 फिनिश गुड। ये तो आपने एक पूरा पाथ देख लिया। अगर आपको टी कोड का बताता हूं मैं, आप मतलब बिल्कुल बैक चले जाएं और आप कमांड बार में एंटर करें MMR1, तो वो सेम परफॉर्मेंस पे ले जाएगा जहां पे आपकी रॉ मटेरियल को क्रिएट किया जाता है। जी व्यूअर, देख लें, ये इसी परफॉर्मेंस पे आ गया। हमारी इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, हम एक बेवरेज की कंपनी है, ठीक है। हमारा इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, बेवरेज। आपने बेवरेज का एंटर करने, जो आपकी कंपनी होगी उसके सूटेबल आपने यहां पे इंडस्ट्री सेक्टर ऐड करना है। प्रेस एंटर करने के बाद ये आपका एक परफॉर्मा फोन होगा जिस पे आपने बेसिक डेटा 1 पर डबल क्लिक करना है, सॉरी इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। जी व्यूअर, ये एक परफॉर्मा ओपन हो गया हमारा एक रॉ मटेरियल को क्रिएट करने का। यहां पे हम अपनी एक रॉ मटेरियल को क्रिएट करेंगे। जैसे अब रॉ मटेरियल को क्रिएट करने, आप ये कहते हैं कि बॉटल 600 ml, सॉरी आप यहां पे लिखें एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी बॉटल 600 ml। आप की कंपनी कौन सी है, बेवरेज की कंपनी है। आपने प्रोडक्ट करनी है, बॉटल प्री करनी है, तो आपको खाली बॉटल तो जरूरत होगी प्लांट को कि वो उस बॉटल को फिल करें। सबसे पहले हम इनकी एक बॉटल परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खाली बोतल, ठीक है व्यूअर। अब यहां पे आप देखें बेस यूनिट ऑफ मेजर, जो आप रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है। मतलब अगर आप देखें बाजार में जाते हैं, चीनी को खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो वो किस में खरीदते हैं, केजी में, राइट। अगर आपने पेप्सी की बोतल लेनी है तो आप क्या कहते हैं, किलो बोतल दे दो, नहीं तो आप क्या कहते हो, एक बोतल दे दो। हम क्या कहते हैं, एम्प्टी बॉटल का बेस यूनिट क्या है, उसको मापते किस में मार्केट में, ईए स्टैंड फॉर ईच, ठीक हो गया। अब यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पे हम देखते हैं कि मटेरियल ग्रुप क्या है, ठीक है। अगर आप मटेरियल ग्रुप देखें, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है आपने, यह परफॉर्मा ओपन हो जाएगा। यहां पे आपने सर्च कर लेना है, एंटर प्रेस करेंगे, देखें मटेरियल ग्रुप हमारा कौन सा है, बॉटल। आपने एंटर प्रेस करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आप यहां पे देख लें डिवीजन कौन सी है, किस डिवीजन में आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए। तो जिन व्यूअर ने डिवीजन वाले ट्यूटोरियल नहीं देखा कि ये डिवीजन हमने कैसे क्रिएट किया, तो प्लीज वो ट्यूटोरियल देख लें। टैब की प्रेस करने के बाद आप देख लें कि बॉटल का ग्रॉस वेट कितना होगा और बॉटल का नेट वेट कितना होगा। अब वेट में क्या है, देखिए एक बॉटल है उसका डेफिनेटली वेट तो होगा। अब ग्रॉस वेट उसका टोटल वेट आप कह लें, मैक्सिमम आपको पता है वो ग्राम में होगा, ठीक हो गया। हम कहते हैं जी वो उसका जो ग्रॉस वेट है टोटल, ठीक है, हम कहते हैं 10 ग्राम तक होगा, ठीक है। और इसका नेट वेट कितना होगा, नेट वेट उसका मखसूस मतलब एक बॉटल का कितने वेट हो सकता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि 5, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं यहां पे